हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेराज व्लॉग। तो आइए आज बनाते हैं मटन वाइट कोरमा। तो आइए इसकी रेसिपी नोट कीजिए। हमें यहाँ पे मटन लेना है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट लेना है, चॉप करके अनियन लेना है, 3 से 4 अनियन लेना है, कुछ सूखे मसाले लेना है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक आप लोग अपने हिसाब से लीजिए, दही लेना है, खड़ा मसाला लेना है, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची, कुछ ड्राई फ्रूट लेना है। इसका हमें पेस्ट बनाना है। काजू, बादाम, मगज आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा। हमें मटन मैरिनेट करना है, सूखे मसाले ऐड करना है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड करना है 5 से 6 टीस्पून, 3 से 4 टीस्पून हमें इसमें दही ऐड करना है, हल्का सा ऑयल ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मज़े से मिक्स करिए। आप लोग के पास टाइम है तो इसे मैरिनेशन के लिए रख दीजिए 1 से 1.5 घंटा, अगर नहीं है तो फ़ौरन भी बना सकते हैं इसे। कुकर में हमें ऑयल लेना है, इसे गर्म करना है, इसमें खड़े मसाले डालना है। अब इसमें हमें अनियन ऐड करना है। अनियन को हमें कोई कलर नहीं देना है, अनियन को बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, पिंकिश कलर देना है बस, गोल्डन ब्लैक बिल्कुल कलर नहीं देना है। आप लोग देख सकते हैं मेरा अनियन सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें मटन ऐड करूँगी, एकदम हल्का सा पानी ऐड करना है और इसका ढक्कन लगा के इसे कुक करना है 22 मिनट तक। आप लोग देख सकते हैं मेरा मटन रेडी है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट पेस्ट ऐड कर रही हूँ, काजू, बादाम, मगज का पेस्ट ऐड करना है और इसे कुक करने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है 10 to 15 मिनट्स। इसे थोड़ा सा थिक करना है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा थिक हो चुका है। इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून, कस्तूरी मेथी ऐड करना है। हाँ, अगर आप लोग को इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप लोग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अभी गरम मसाला पाउडर डालने से पहले। अगर आप लोग को थिक चाहिए तो आप लोग और इसे थोड़ा सा बॉईल दिलाइए। ये मेरा वाइट मटन कोरमा बनके रेडी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार ये डिश ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अल्लाह हाफिज़।